अस्सलाम व्यर्स जिस अवैस मी सीईओ ऑफ डायनेमिक इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन डी ए टू स्पीक अबाउट द करंट इशू या जो करंट क्राइसिस हैं विच इज मेनली ऑफ अ गैस उसके तनाज में व्हाट वी आर डूइंग हमारी जो ग्रुप और कंपनी है विच व्हाट वी आर डूइंग इज इज़ डूइंगली एनर्जी सोलूशन प्रोवाइडर इसमें बेसिकली जो स्पेसिफिक ऑन द गैस जो कि डोमेस्टिक सेक्टर या कमर्शियल सेक्टर में या इंडस्ट्रियल सेक्टर में इस्तेमाल होती है उसका हम सोलूशन uh, देते हैं वी आर द पाइन कंपनी इन दैट कॉन्सेप्ट बोथ फॉर इंडस्ट्रियल एज वेल एज हाउस होल्ड वन जिस तरह पाकिस्तान में आप सारों को बताया कि नेचुरल गैस की एक्सट्रीम uh, शॉर्टेज है और जो वक्त हर वक्त के गुजरने के साथ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है बिकॉज़ हमारे नेचुरल गैस रिज़र्व डिप्लीट हो रहे हैं और नई ड्रिलिंग या एक्सप्लोरेशन नहीं हुई जिसकी वजह से जो हमारा ग्राफ है गैप का वो बहुत बढ़ता जा रहा है तो हम इसके ऊपर जो अभी तक आ, लोगों पे डिपेंडेंसी या आ, जो सल्यूशन मौजूद हैं वो हैं एल पी जी जो कि Uh, बहुत अरसे से पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं या दुनिया में इस्तेमाल होते हैं और दूसरा जो गवर्नमेंट ने लास्ट आठ सात आठ साल पहले कोशिश की एल एन जी इम्पोर्ट्स के लिए वो एल एन जी इम्पोर्ट्स हुई लेकिन वो एल एल एन जी इम्पोर्ट्स सिर्फ पाइप लाइन में और मेनली थ्रू दी नेटवर्क ऑफ सुइज कंपनीज गए हैं लेकिन क्योंकि एल एन जी अब दुनिया में बड़ा एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है मेनली आफ्टर दाई रशियन यूक्रेन वॉर के बाद सो एक जो सलूशन है जो हम स्पेसिफिक जिसके ऊपर मैं थोड़ी सी रोशनी डाल दूँ वो है एल पी जी एंड दैन एल पी जी की जो वैल्यू एडिशन है जिसमें वी आर द ओनली वन इन पाकिस्तान और इवन इन द रीजन जिन्होंने बेस लोड एंड बैकअप इंडस्ट्री में काम है कि है वो है एल पी जी एम एक्स जिसको हम कहते हैं सेंथरिक नेचुरल गैस उसके तनाजुर में जो एल पी जी का एल पी जी एम एक्स का हमने सुइस कंपनीज के साथ तो ओवरऑल लास्ट दस पंद्रह सालों में गवादर से लेके नोशकी सरा मीरपुर खास और फार फ्लंग एरिया मेन इन बलोचिस्तान हमने ये गैस Uh, लोगों को वहाँ सप्लाई की है पुअर फार फ्लंग एरिया को अंडर द गवर्नमेंट uh, पॉलिसी प्रोग्राम ऑफ सब्सिडाइजिंग गैस बट uh, क्योंकि क्योंकि द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट की इतनी कैपेसिटी नहीं है टू गिव ऑल दैट फ्लंग एरिया उसको पाइप देने के लिए तो अब इसको लास्ट पाँच छः सालों की एफर्ट के बाद हाल लास्ट ईयर ये प्राइवेट हाउसिंग में ये कॉन्सेप्ट अप्रूवड हो गया है जिसमें का बड़ा मेजर रोल है एंड फ्रॉम द मिनिस्ट्रियल साइड कि प्राइवेट हाउसिंग में अब हमने एल पी जी एम एक्स मुतारफ़ करा दिया है जिसमें पहला प्रोजेक्ट बहरिया टाउन कराची में आ, तीन चार साल पहले शुरू हुआ था और जो इस साल इस पॉलिसी के बाद इसी मंथ जो है वो कमीशन हुआ है और वो वहाँ पर घरेलू सारफी को और कमर्शल सारफी को लगभग सात अठा आठ हज़ार हाउस होल्ड्स को पहले मरल में गैस देगा जिनको अन इंटरप्टड मीनंग जो कराची या सबर्ब में या पाकिस्तान के बाकी इलाकों में ट्वेंटी फोर सेवन गैस नहीं होती लेकिन बहरिया टाउन के जो कंज्यूमर्स हैं टू बेगेन विद उनको गैस मिलेगी और एक बड़ी प्रेशर सस्टेनेबल गैस मिलेगी बाई वर्च्यू ऑफ एल पी जी ई एम एक्स एल पी जी एम एक्स है क्या जी आम और सादा लफ्ज़ों में एल पी जी को हम एल पी जी एस जो, जो नॉन कन्वेंशनल गैस होती है उसको हम एयर के साथ विद द प्रसाइज रेशियो मिक्स करके हम इसको पाइपड गैस में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको एल पी जी एम एक्स और दुनिया में नेचुरल गैस भी कहते हैं तो इसकी वजह से आपको बे बेस लोड बैकअप और आ, पीक शेविंग जिसमें जब गैस का प्रेशर अगर नेचुरल गैस का कम है तो अगर वहाँ पे जिन जगहों पे ये लगा हुआ है वहाँ पे आपको इनको आ, इस फोनिना पे भी आपको एक सस्टेनेबल गैस मिल सकती है सो इन शॉर्ट अगेन ये वो गैस है जो पाकिस्तान में आगे आ, एक रेवोल्यूशन लेके आएगी बिकॉज डोमेस्टिक और कमर्शियली लोगों ने खाना पकाना है खाना रहना है जो जो वॉट एवर इकनॉमिक हालात और कंडीशन हो जो अल्लाह करे आगे और आते हुए बेहतर होंगे उसमें इस गैस का बड़ा मेजर रोल है क्योंकि नॉट ओनली कि ये खाली सस्टेनेबल गैस देगा हाउस होल्ड्स को ये आपको एक बहुत सारी एक पूरा इस्ट्रांगोसटम देगा जो अनफॉर्चुनेटली एल पी जी सिलेंडर की सूरत में यहाँ मौजूद तो है लेकिन वो इतना कन्वेंशनल नहीं है बिकॉज उसमें प्राइस ट्रैकिंग ओवर चार्जिंग क्रॉस फिलिंग और एल पी जी सिलेंडर की जो दूसरी एक हमारे मुल्क के तनाज में जो तो सब ईशू है वो सेफ्टी क्योंकि आप आए दिन देखते हैं कि एल पी फॉर्चुनेटली सब स्टैंडर्ड क्वालिटी में पटेते हैं तो जो हमारे अच्छे कस्टमर या जो हर किसान के आम और फैम कंज्यूमर वो सेफ्टी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते जिस तरह हमारा ये सोलूशन हमारी कंपनी नहीं करती तो इस तनाजुर्म एल पी जी एम एक्स और दूसरे लफ्जों में वेपर एल पी जी भी बोलते हैं दूसरी एप्लीकेशन में वही एक सोलूशन है आगे शॉर्ट टर्म टू तो मिड टर्म टू तो दॉन्ग टर्म सस्टेनेबल जो पाकिस्तान की गैस कंज्यूमर्स की हाउसिंग uh, की नीड्स को पूरा कर सकता है इन टाइम टू कम ओवरऑल uh, जी uh, इसमें जो दूसरा एक पॉइंट है जी के uh, जो मेन फैक्टर है और पाकिस्तान के इकनॉमिक हालात के मुताबिक भी के जी जो स्टैंडिंग ऑन हाउ इट विल कॉस्ट मतलब इसका कमर्शियल कंपैरिजन किया होगा विद विद नेचुरल गैस देखिए नेचुरल गैस तो मौजूद अब है ही नहीं तो नेचुरल गैस uh, जिस तरह हमने इस मुल्क के साथ बहुत सारी आयरनी गुजरी हैं ये मुल्क तो ग्रेट है लेकिन हमारे अपनी हमारे मालों से जिस तरह गैस पर हमने इसका बेदरीक इस्तेमाल किया और इसको एब्यूज़ किया बोर्ड डोमेस्टिक में और हीवन लाइक सी एन जी सेक्टर एंड अदर दें तो इसमें ये गैस का कंपेरिजन तो इसके साथ नहीं है डोमेस्टिक गैस का ये इसका कंपेरिजन आर एल एन जी के साथ है जो इम्पोर्ट होके पाइप में आते हैं और ये गैस आ, उस उसके उसके करीब करीब है क्योंकि हम इसके साथ एल को एयर के साथ मिक्स करके हम इसका रेशो मेंटेनेबिलिटी में इसका वॉल्यूमेट्रिक भी ग करते हैं तो अगर लेट्स से आ, आपके अभी घर में जो पाँच रुपए का यूनिट आता है मिसाल के तौर पे वो आगे हालात के पेश नज़र अगर वो दस रुपए का हो जाएगा और आज एल एयर मिक्स एल पी आर जो है अगर आ किसी का आर एल एन जी बेस्ड डोमेस्टिक कनेक्शन है तो वो बारह तेरह रुपये का है सो तो आपको ये एल पी जी एयर मिक्स भी बारह तेरह के प्लस प्लस लगभग मिलेगी तो जो आपको भी बनाती हैं दैन एवेंचुअली जो आगे के हालात हैं कि एल पी जी सिलेंडर अगर किसी के पास है सो एल पी जी सिलेंडर की वैल्यू चेंज करने के लिए वहाँ जाना उस पर पे पेट्रोल लगाना डीजल लगाना उसकी कॉस्ट भी एक आप इसके ऊपर इंकारपोरेट करते हैं सो तो इस तनाज़र में एल पी जी और बल्क में आपको ये कॉस्ट नहीं पड़ती और आप इस कॉस्ट से आप इसको ओमिट कर सकते हैं तो उसकी वजह से आपका ओवरऑल जो गैस का बिल है वो कंपैरेटिवली कम कम आएगा अगेंस्ट एलपीजी सिलेंडर और कंपीटिंग डोमेस्टिक गैस कनेक्शन ताजा तरीन खबरें तहकीकती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात खेलों की खबरें शोबिज और सोशल मीडिया ट्रेंड्स सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर एमएम न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें